नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोगों के साथ। आइए नजर डालते हैं कोरोना वायरस की ओर। आपको बता दूं, कोरोना वायरस के पूरे देश के अंदर अब लगभग 70 लाख केस पहुंच चुके हैं। लेकिन इसमें आपको एक राहत की बात भी बता दूं कि सही हो रहे मरीजों की संख्या लगभग अधिक होती हुई नजर आ रही है। पिछले 24 घंटों के रिकॉर्ड के अनुसार आपको बता दूं कि 73,000 नए मामले सामने आए थे। लेकिन भाई, दूसरी ओर देखूं तो जो रोगी सही हुए हैं उनका आंकड़ा 82,000 है। इस हिसाब से 9,000 ज़्यादा कोरोना मरीजों की सही होने की संख्या सामने आई है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 70 लाख तक पहुंची है। आपको बता दूं, 24 घंटे में पिछले 73,000 नए मामले सामने आए, 32,000 ठीक हुए नई दिल्ली में। आपको बता दूं, देश में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 70 लाख तक पहुंच चुकी है। नए मामलों की संख्या में बढ़ोतरी के साथ ही एक्टिव केस की संख्या में लगातार गिरावट भी जारी है। नए संक्रमण से ज़्यादा ठीक होने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है। देश में पिछले 24 घंटों में 73,272 नए कोरोना मामले दर्ज किए गए और 82,753 मरीज ठीक हो गए हैं। हालांकि 926 मरीजों की जान भी चली गई। आपको बता दूं, स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार देश में अब कुल संक्रमितों की संख्या 69,79,000 हो गई है। इनमें से 1,07,000 लोगों की मौत हो गई है। एक्टिव केस की संख्या घट करके 8,83,000 हो गई और कुल 59,88,000 लोग ठीक हो चुके हैं। संक्रमण के एक्टिव केस की संख्या की तुलना में स्वस्थ हुए लोगों की संख्या 6 गुना ज़्यादा है। देश में लगातार 3 हफ्तों से नए रिकवरी केसों की संख्या नए कोरोना केसों से अधिक आ रही है। आपको बता दूं, ये देश के लिए बहुत ही अच्छी खबर बन के सामने आ रही है। इस खबर बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज 19। नमस्कार।